मेरी और तुम्हारी माँ की सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत में गुजरी है। कहीं नहीं गए हम, कुछ नहीं देखा, कोई गमी खुशी त्यौहार कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत और सलामती के बारे में सोचा। क्या सोचा? छुपा दिया, झूठ की जिंदगी दी। जो मेरी समझ में था मैंने किया। हर इंसान इतना ताकतवर नहीं होता कि हालात से लड़ सके। बचपन में ही जमीन में दबे बम पर मेरा पांव आ गया था। टांग जाया हो गई मेरी। वो डर ऐसा दिल में बैठा कि आज तक नहीं निकला। ऐसे गाड़ी से, बंदूक की आवाज से, किसी भी चीज के टूटने की आवाज से मैं डर जाता हूं। इस लगड़ेपन की वजह से इस इलाके में किसी ने लड़की भी नहीं दी मुझे। उस वक्त मेरे बाप ने 1 लाख रुपया देकर मेरी शादी करवाई। अपना पहाड़ों से आई थी, फिर कभी वापस नहीं गई। हमारी कोई औलाद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। उस दिन जब अरमगान ने तुम्हें मेरे हाथ में दिया ना, बहुत डर गया था मैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। आप करवान खान को जानते हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी जिद की खातिर। ये उनका घर का मसला है, हम दोनों इससे दूरी रहें तो बेहतर है। मैं तो दूर ही रहना चाहता हूँ। अरमगान इसे मुझे पकड़ा कर चला गया, बात ही नहीं सुनी। चलो, एक रात की बात है, सुबह इसे वापस कर देना। और अरमान भाई से कहना कि हम कमजोर लोग हैं, दोबारा हमें इस आजमाइश से दूरी रखे तो बेहतर है। अरमान भाई से बात हुई? अरमान मिले? नहीं, क्यों? मर गया कुमार। कैसे? मेरी और तुम्हारी माँ की जिंदगी का हासिल तुम्हारी हिफाजत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो समझो हमारी जिंदगी बेकार गई। कोई ऐसा काम ना करना कि तुम्हारी जिंदगी को नुकसान पहुंचे। मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। वादा का वादा। आज एक शेर की आमद हुई, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। मुझे शेर और शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं। ये ड्रामों और डाइजेस्ट के हीरो और आइडियल कहाँ मर जाते हैं जब मेरी जैसी लड़की को उनकी जरूरत होती है। मैंने तो तुम्हारी तरह कोई लंबा चौड़ा आइडियल भी नहीं बनाया हुआ, बस लड़का बाहर सेटल हो इतना काफी है मेरे लिए। आज क्या लाए हो? पपीता, अंगूर, कीनू। शुक्रिया। शुक्रिया ना कहा करें, हलक में अटक जाता है मेरे आम की गुठली की तरह। देखा, अब कुछ पढ़ लिख लिया होता ना तो कोई बेहतर जुमला आता। मिसालें भी सारी सब्जियों और फलों की निकाल निकाल कर देते हो। देखिए नया ड्रामा सीरियल एक झूठी लव स्टोरी 25 दिसंबर से वीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।